हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस के कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, जो भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ हम किस चीज़ का देखेंगे, तो कट ऑफ हम लास्ट ईयर का देखेंगे। सर, इस ईयर का कट ऑफ कैसा रहेगा? इस ईयर का जो कट ऑफ होता है, देखो याद रखो, कोई भी कट ऑफ जो होता है पिछले ईयर से बस 5 या 10 मार्क्स का जो होता है ना, उतना ही वैरी करता है, 5 से 10 मार्क्स। और अगर कट ऑफ आपको बहुत अच्छे से देखना है, तो आप किसी भी कॉलेज का रैंक देखिए कि उस कॉलेज में किस रैंक पर एडमिशन हुआ है, क्योंकि रैंक से लगभग सेम ही आता है कि इस रैंक पर एडमिशन हुआ। वो अगर आप देखेंगे तो हर साल लास्ट एडमिशन उसी रैंक पर होता है लगभग। बस पेपर के लेवल के हिसाब से मार्क्स का थोड़ा सा फ़र्क आता है, और अगर आप मार्क्स के हिसाब से भी देख रहे हैं तो मार्क्स के हिसाब से भी इतना फ़र्क नहीं होता है। हर साल वही 5 से 10 मार्क्स का फ़र्क मतलब कट ऑफ में आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बीएमएस कॉलेज के बारे में डिटेल में बताऊँ, तो बीएमएस के टोटल महाराष्ट्र में 21 कॉलेजेस हैं। ठीक है, उनमें भी 1712 सीट्स हैं, लगभग आप बोल सकते हो कि 1700 सीट है। ठीक है, अब इन कॉलेजेस में अपने को क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो इन कॉलेजेस में अपने को इनका कॉलेज कोड देखना है, क्योंकि आप प्रेफरेंस जब भरते तो आप कॉलेज का नाम नहीं भरते, कॉलेज का कोड भरते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका कॉलेज का नाम देखेंगे, फिर उसके बाद इनमें टोटल कैपेसिटी कितना टोटल सीट्स है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कैसा, मतलब कि जनरल EWS SC ST OBC सारे कैटेगरी में जो फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन हुए हैं रैंक और मार्क्स वाइज, वो पूरा हम डिटेल में एक एक कॉलेज का करके देखेंगे। अब अगर टोटल 21 कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में 2 वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को डिटेल में बताना है ना, तो 2 वीडियो में बताऊंगा। पहले वीडियो में मैं आपको 10 कॉलेज के बारे में बताऊंगा, उसके अगले वीडियो में मैं आपको बाकी के 11 कॉलेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मान लो कि MBBS और BDS के कॉलेज का भी कट ऑफ देखना है महाराष्ट्र में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखो, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। ठीक है, मैं चैनल सब्सक्राइब करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी आगे का जो काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स है ना, जो भी आगे काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट आएंगे, वो सब आपको मैं देता रहूँगा, जब भी आएगा तुरंत ही आपको मैं नोटिफाई करता रहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कॉलेज के नाम। तो अगर मैं BMS का सबसे फर्स्ट कॉलेज की बात करूँ, तो सबसे अच्छा कॉलेज BMS का यही है, आड़े पोडार महाविद्यालय, मुंबई में है कॉलेज। ठीक है, इसकी टोटल कैपेसिटी 125 है, कॉलेज कोड 3101, याद रखना कॉलेज कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप प्रेफरेंस भरते वक्त कॉलेज का नाम नहीं भरते हो, कॉलेज का कोड भरते हो, याद रखो इसलिए। ठीक है, ओपन में बात करें तो फर्स्ट एडमिशन 42412 रैंक पे हुआ है, 556 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 76127 रैंक पे, 510 मार्क्स। ठीक है, EWS में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 52171 रैंक पे, 541 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 74455 रैंक पे, 512 मार्क्स। ठीक है, OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 50103 रैंक पे, 545 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 82373 रैंक पे, 502 मार्क्स। ठीक है, SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 121532 रैंक पे, 461 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 129192 रैंक पे, 454 मार्क्स। ठीक है, ST में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 282634 रैंक पे, 337 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 324936 रैंक पे, 311 मार्क्स। तो ये पूरा फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन हो गया कैटेगरी वाइज आर्य पोडार महाविद्यालय मुंबई का। ठीक है, अब आपसे मैं अगर सेकंड कॉलेज की बात करूँ, तो सेकंड कॉलेज जो है KG मित्तल महाविद्यालय मुंबई। ठीक है, इसकी टोटल कैपेसिटी 50 है, कॉलेज कोड 3102 है। याद रखो, ये जो टोटल कैपेसिटी इसकी 50 है, पूरा हिंदी माइनॉरिटी के लिए, तो आपके पास हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसमें पहली बात तो हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होना चाहिए, और ओपन में एडमिशन होता है इसमें। फर्स्ट जो एडमिशन है वो 60790 रैंक, 530 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 139765 रैंक, 444 मार्क्स। तो याद रखो, इसमें हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, तो नेक्स्ट कॉलेज है
एबीपी मंडल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ये भी मुंबई में ही है, सायन मुंबई, ठीक है। इसकी टोटल कैपेसिटी 75 है, कॉलेज कोड 3103। ओपन में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 65,665 रैंक पे, 523 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 93,383 रैंक पे, 490 मार्क्स। EWS में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 82,713 रैंक पे, 502 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 88,986 रैंक पे, 495 मार्क्स। OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 76,941 रैंक पे, 509 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 88,838 रैंक पे, 495 मार्क्स, ठीक है। SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,24,168 रैंक पे, 459 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 1,55,520 रैंक पे, 430 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं ST में आपको बताऊँ तो ST में फर्स्ट एडमिशन 3,14,715 रैंक पे, 317 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 3,47,840 रैंक पे, 298 मार्क्स। तो ये पूरा फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन हो गया ABP मंडल आयुर्वेदिक महाविद्यालय का, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ तो नेक्स्ट कॉलेज है BS आयुर्वेद महाविद्यालय, सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। BS का है भाई साहब सावंत, ठीक है, आयुर्वेद महाविद्यालय। टोटल कैपेसिटी इसका 50 है, कॉलेज कोड 3106, ठीक है। ओपन में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,04,243 रैंक पे, 479 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 1,22,251 रैंक पे, 460 मार्क्स, ठीक है। EWS में मैं बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,12,732 रैंक पे, 470 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 1,23,429 रैंक पे, 459 मार्क्स। OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 98,345 रैंक पे, 485 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 1,25,672 रैंक पे, 457 मार्क्स, ठीक है। SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,86,758 रैंक पे, 404 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 2,11,655 रैंक पे, 385 मार्क्स, ठीक है। ST में मैं आपसे बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 3,52,871 रैंक पे, 295 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 3,71,277 रैंक पे, 285 मार्क्स। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन कैटेगरी वाइज BS आयुर्वेद महाविद्यालय सिंधुदुर्ग, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ तो नेक्स्ट कॉलेज है अस्थांग आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, अच्छा कॉलेज है। इसकी टोटल कैपेसिटी 50 है, कॉलेज कोड 3107। ओपन में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 59,045 रैंक पे, 532 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 90,862 रैंक पे, 493 मार्क्स, ठीक है। EWS में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 84,128 रैंक पे, 500 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 84,863 रैंक पे, 500 मार्क्स, ठीक है। OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 85,537 रैंक पे, 499 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 91,778 रैंक पे, 492 मार्क्स, ठीक है। SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,43,306 रैंक पे, 441 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 1,66,814 रैंक पे, 420 मार्क्स। ST में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 3,11,742 रैंक पे, 319 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 3,43,226 रैंक पे, 301 मार्क्स। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन कैटेगरी वाइज अस्थांग आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे का, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज बात करूँ तो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है RSM तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉलेज, इसकी कट ऑफ भी हाई रहती है। इसकी टोटल कैपेसिटी 125 है, कॉलेज कोड 3108। ओपन में मैं अगर बात करूँ तो ओपन में फर्स्ट एडमिशन 47,135 रैंक पे, 549 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 81,592 रैंक पे, 503 मार्क्स। EWS में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 59,753 रैंक पे, 531 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 83,041 रैंक पे, 502 मार्क्स। OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 61,297 रैंक पे, 529 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 81,682 रैंक पे, 503 मार्क्स, ठीक है। SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,20,514 रैंक पे, 462 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 1,43,000 रैंक पे, 441 मार्क्स। ST में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 2,81,963 रैंक पे, 337 मार्क्स, और लास्ट एडमिशन 3,30,166 रैंक पे, 308 मार्क्स। तो ये पूरा कैटेगरी वाइज हो गया फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन
RSM तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे का, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ तो नेक्स्ट कॉलेज है SCM आर्यंगला सतारा, ठीक है। ये जो कॉलेज है SCM आर्यंगला आयुर्वेदिक महाविद्यालय सतारा डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज, ठीक है। इसकी टोटल कैपेसिटी 63 है, कॉलेज कोड 3116 है। ओपन में मैं बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 73,083 रैंक पे 514 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,17,226 रैंक पे 465 मार्क्स, ठीक है। EWS में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 92,679 रैंक पे 491 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,16,293 रैंक पे 466 मार्क्स, ठीक है। OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,08,382 रैंक पे 474 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,26,263 रैंक पे 457 मार्क्स, ठीक है। SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,69,623 रैंक पे 418 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,91,653 रैंक पे 401 मार्क्स, ठीक है। ST में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 2,72,938 रैंक पे 343 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 3,80,803 रैंक पे 280 मार्क्स। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन कैटेगरी वाइज SCM आर्यंगला आयुर्वेदिक महाविद्यालय सतारा का, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है BDP आयुर्वेदिक कॉलेज सांगली, ठीक है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में। टोटल कैपेसिटी इसकी 50 है, कॉलेज कोड इसका 3117 है। ओपन में बात करूं तो फर्स्ट एडमिशन 84,482 रैंक पे 500 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,07,728 रैंक पे 475 मार्क्स, ठीक है। EWS की बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 84,569 रैंक पे 500 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,06,594 रैंक पे 476 मार्क्स, ठीक है। OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 96,877 रैंक पे 486 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,17,785 रैंक पे 465 मार्क्स, ठीक है। SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,73,177 रैंक पे 415 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 2,01,133 रैंक पे 393 मार्क्स, ठीक है। ST में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 3,28,459 रैंक पे 309 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 3,56,551 रैंक पे 293 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन कैटेगरी वाइज VDP आयुर्वेदिक कॉलेज सांगली का, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ तो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है SGRA आयुर्वेदिक कॉलेज सोलापुर। इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो कॉलेज है ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आपके पास जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी इसकी 60 है, कॉलेज कोड 3119 है। अगर मैं इसमें एडमिशन की बात करूँ ओपन में फर्स्ट एडमिशन की तो 86,892 रैंक पे 497 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 2,73,611 रैंक पे 343 मार्क्स। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि इसमें जितने भी एडमिशन्स है सब जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होगा तो ही आप ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करूँ तो वो है GS गुने आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसकी टोटल कैपेसिटी 63 है, कॉलेज कोड 3120 है, ठीक है। ओपन में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 95,346 रैंक पे 488 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,14,289 रैंक पे 468 मार्क्स। EWS में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,02,892 रैंक पे 480 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,09,281 रैंक पे 473 मार्क्स, ठीक है। OBC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,01,873 रैंक पे 481 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,16,779 रैंक पे 466 मार्क्स, ठीक है। SC में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 1,62,964 रैंक पे 424 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 1,89,430 रैंक पे 402 मार्क्स। ST में बात करूँ तो फर्स्ट एडमिशन 3,42,349 रैंक पे 301 मार्क्स और लास्ट एडमिशन 3,73,976 रैंक पे 284 मार्क्स। तो ये मैंने आपको पूरा फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन बता दिया, ठीक है, अहमदनगर आयुर्वेदिक कॉलेज का, GS गुने आयुर्वेदिक कॉलेज का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने टोटल आपको 10 आयुर्वेदिक कॉलेज के पूरा जो भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट 10 थे
21 है टोटल, जिनमें से 10 का मैंने आपको इस वीडियो में पूरा पूरा बता दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के 11 जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनका भी कैटेगरी वाइज आपको जो फर्स्ट एंड लास्ट एडमिशन है वो बता दूंगा। तो आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे या फिर आपको आगे का भी काउंसलिंग अपडेट मिलता रहे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको जो भी अपडेट आता रहेगा वो काउंसलिंग रिलेटेड आपको सारा अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। फिर अगर आपको डाउट है कि सर 2022 का कट ऑफ क्या होगा, तो आप याद रखो हमेशा सिर्फ 3 से 4 मार्क्स का वेरी होता है, उससे ज़्यादा कट ऑफ का कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। और आपको जैसे मैंने BDS का भी बना के रखा है, MBBS का भी बना के रखा है, तो अगर आप BDS एंड BMS की भी कट ऑफ देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो जो है लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।